भी पूरा नहीं किया था, शायद इसीलिए उसे देर हो गई है। ये इम्पॉसिबल है, मैं इतना सारा होमवर्क नहीं कर सकता। मुझे ये करना होगा, मुझे करना ही पड़ेगा। अरे नहीं, शिज़ुका बाहर मेरा वेट कर रही है, पता नहीं अब क्या होगा। मैं ये नहीं कर सकता। समझ गया। नोबिता, तुम्हें किसने कहा कि तुम घर जा सकते हो? सॉरी सर। नोबिता, ये कभी नहीं सुधरेगा। शिज़ुका, सॉरी तुम्हें इंतजार करना पड़ा। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो नोबिता? क्या तुम्हारा पेट खराब है? ऐसी बात नहीं है शिज़ुका, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है। दरअसल वो सॉरी शिज़ुका। रुको नोबिता, मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम? आज मैं अपना सारा होमवर्क पूरा करूंगा और कल सर से माफी मांग लूंगा। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मुझे लगता है आज का दिन ही खराब है। नोबिता, जल्दी से बॉल वापस फेंको। क्या तुमने सुना नहीं नोबिता? सुनियो, मेरे कान बिल्कुल ठीक हैं। ये लो। मुझे एक बहुत जरूरी काम है, बाय बाय। जियान, नोबिता भाग रहा है। क्या कहा तुमने? ये किसने किया है? अच्छा तो वो तुम ही हो जो हर रोज मेरा गिलास तोड़ देते हो। आज हमने आपका ग्लास नहीं तोड़ा है। हाँ, आपका ग्लास नोबिता ने तोड़ा है। ठीक है, उस लड़के को यहाँ लेकर आओ। रुक जाओ नोबिता, कहाँ भाग रहे हो? मैंने कहा रुक जाओ। अगर आज इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नोबिता। रुक जाओ। अरे वो कहाँ चला गया? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, सुनियो। अब हम अलग अलग होकर उसे ढूंढेंगे। सही कहा। हाँ, अब क्या करूँ? कैसा है वांटेड नोबिता? जो भी उसे पकड़ेगा इनाम में उसको 10 कॉमिक बुक्स मिलेंगी। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है जियान। अब इसकी कॉपीज बनाओ और सब जगह लगा दो। लेकिन इनाम की 10 कॉमिक बुक्स कौन दे रहा है जियान? इसमें क्या पूछना, सारी कॉमिक्स तुम दोगे, समझे? क्या? हाँ मैं जानता हूँ। अगर तुम ये जानते हो तो अब तक यहाँ खड़े क्यों हो? अभी जाता हूँ। कुछ भी हो, आज मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। तुम इस जगह पर पूरी नजर रखना, कहीं वो अपने घर में जाकर ना छिप जाए, समझ गए? समझ गए। अब मैं जा रहा हूँ। ओके। ये रास्ता तो ठीक नहीं है, आज तो फंस गया। हाँ? अगर तुम्हें नोबिता कहीं दिखे तो मुझे बता देना। क्या नोबिता ने कुछ किया है सुनियो? हाँ, आज वो मिस्टर कामिनारी का ग्लास तोड़कर भाग गया है। क्या? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? नोबिता को ढूंढो। आज तुम हमसे नहीं बच पाओगे नोबिता।
मदद करो। हेलो नोबीज रेजिडेंस। अरे आप तो नोबिता के सर बोल रहे हैं ना? हाँ? क्या नोबिता ने क्या ऐसा किया है? जी हाँ हाँ, वो अभी तक नहीं आया। आने दो आज नोबिता को, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। लगता है अब नोबिता को बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। द पेट्रोल पियर, जल्दी जाओ और नोबिता को ढूंढ कर लाओ। लगता है उसने उसे ढूंढ लिया है। नोबिता, जवाब दो नोबिता, क्या तुम सुन रहे हो? मैं डोरेमोन बोल रहा हूँ। नोबिता, अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज जवाब दो। डोरेमोन? नोबिता? हाँ? अरे क्या ये तुम हो डोरेमोन? तुम इस वक्त हो कहाँ पर? स्कूल के पीछे पहाड़ी पर। जिया ने सब बच्चों को मेरे पीछे लगा रखा है, वो सब मुझे ढूंढ रहे हैं। क्या सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं? हाँ, मेरी मदद करो, जल्दी से बैम्बू कॉप्टर या एनीवे डोर का इस्तेमाल करो। सॉरी नोबिता, वो दोनों ही गैजेट सभी खराब है। जब भी मुझे जरूरत होती है तुम्हारे गैजेट खराब होते हैं। जरा एक मिनट रुको, मुझे सोचने दो नोबिता, मेरे पास जरूर कुछ होगा, मैं अभी ढूंढता हूँ। मिल गया, दिस वे मैप। ये क्या है? ये मैप तुम्हें घर तक का सबसे सुरक्षित रास्ता बताएगा, इससे सारी मुश्किलों से बचा जा सकता है नोबिता। जल्दी मैप सेट करो। अब जल्दी से मुझे पहाड़ी से हमारे घर तक का रास्ता दिखाओ। अब इसके बाद ऑब्स्टिकल चिप्स, ये तुम्हारे रास्ते की मुश्किलों को दिखाएंगे नोबिता, समझ गए ना? ये सब बताने में टाइम वेस्ट मत करो। ऑब्स्टिकल चिप सेट करो। अब क्या होगा नोबिता, तुम्हारे तो सारे रास्ते मुश्किलों से भरे हुए हैं। जल्दी से कुछ करो डोरेमोन। देखो तुम ध्यान से चलना और सिर्फ मेरे बताए हुए रास्ते पर ही जाना नोबिता। अब तुम पहाड़ी से नीचे उतरो। क्या ये सच में काम करेगा डोरेमोन? अब सीधे चलते हुए तुम स्कूल के सामने वाली सड़क पर आ जाओ। हाँ रुक जाओ, शायद कोई सामने से आ रहा है। तुम थोड़ा पीछे होकर राइट मुड़ जाओ। यहीं से मुड़ो। हाँ ठीक है। अब तुम सीधे चलते जाओ। हाँ? अरे नहीं रुक जाओ नोबिता, आगे खतरा है, तुम्हारे लिए राइट जाना ठीक रहेगा। हाँ आगे बढ़ते रहो, रुको। हाँ? यहाँ तो चारों तरफ खतरा है नोबिता, यहाँ से राइट मुड़ जाओ। जल्दी करो नोबिता, जल्दी करो। ओके। अरे वहाँ से कोई आ रहा है, जल्दी पीछे जाओ। हाँ? अरे नहीं रुको, पीछे से भी कोई आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम कहीं छुप जाओ नोबिता। हाँ, यहाँ तो छुपने की कोई जगह नहीं है, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ? जल्दी करो। मुझे बचाओ डोरेमोन, प्लीज मुझे बचाओ। अरे नहीं, अंदर भी खतरा है, अब मैं क्या करूं नोबिता? चिप स्टॉपर। हाँ? डोरेमोन मैं ठीक हूँ, अचानक से डॉक पर एक साइन बोर्ड गिर गया। हाँ? क्या कहा? मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये स्टॉपर इतना खतरनाक है, इसे यूज नहीं करूँगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो नोबिता, अगर तुम जल्दी करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। बढ़िया, अब जल्दी से भागो, जहाँ ये रोड खत्म हो जाए वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाना। हाँ? लगता है मैं एक ही रास्ते पर घूम रहा हूँ, मैं घर की तरफ नहीं जा रहा हूँ, अब क्या करूँ डोरेमोन? हिम्मत मत हारो नोबिता, बस थोड़ी सी
कोशिश और करनी है, समझ गए? क्या हुआ डोरेमोन? भागो! कितना भी भाग लो, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता नोबिता। रुक जाओ। बचाओ! जियान! अरे मॉम आप, मैंने तुम्हें शॉप पर रुकने के लिए कहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन मॉम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चिल्लाओ मत, मेरे साथ चुपचाप चलो। ये तो अच्छा हुआ। अरे नोबिता इस बार बच कैसे गया? हाँ? कोई खतरा नहीं? वाह नोबिता, एक गुड न्यूज है, सारे रास्ते साफ हैं, अब तुम घर आ सकते हो। वाह! मैं घर आ गया। हाँ, अरे नहीं, जल्दी से वापस आओ नोबिता, घर के अंदर खतरा है। नोबिता! ये तो मॉम है, लेकिन दूसरा कौन हो सकता है? हाँ? हाँ? तुम इतनी देर से कहाँ घूम रहे थे? मॉम मैं। कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हारे सर ने मुझे बताया कि तुम आज फिर बिना होमवर्क किए स्कूल गए थे। नोबिता, नोबिता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम अपना होमवर्क पूरा किया करो, लेकिन तुम होगी मेरी बात सुनते ही नहीं। अब तो मैं तुम्हें किसी तरह नहीं बचा सकता, बहुत देर हो गई, थक गई हूँ। आने दो आज तुम्हारे पापा को, मैं उन्हें सारी बातें बताऊंगी, अगर वो ही तुमसे बात करेंगे, तुमसे तुम्हारे बात सुनते नहीं आएंगे। मेरी बात तो तुम सुनते ही नहीं हो लड़का, तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए बेटा, ऐसा कैसे चलेगा? प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। नोबिता तुम घर पर हो? आ रही हूँ। अरे सुनियो तुम, क्या बात है, आज तुम बहुत दिनों के बाद यहाँ आए हो। हेलो आंटी, आप कैसी हैं? क्या नोबिता घर पर है? वो ऊपर अपने कमरे में है, पढ़ाई कर रहा है, तुम अंदर आ जाओ। थैंक यू आंटी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। हाँ? कैसे हो नोबिता? हाँ? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है सुनियो? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम इसे पढ़ना चाहोगे नोबिता? हाँ? मैं इसे पढ़ना चाहता था। मैं डोरा केक्स भी लाया हूँ। हाँ? डोरा केक्स? आराम से पढ़ो। हाँ? और खाओ। क्या सच में? सच में नोबिता। वाओ! अरे वाह, मजा आ गया। टेस्टी है। मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। देखो नोबिता, मैं ये चाहता हूँ कि जियान कल के बेसबॉल मैच में ना खेले। मुझे पता था, तुम बिना मतलब के कुछ भी नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन जियान ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि जियान अपनी टीम का एस पिचर और कैप्टन है। हाँ तुमने सही कहा, मैं टीम का एस पिचर और कैप्टन बनना चाहता हूँ। तुम एस पिचर और कैप्टन बनना चाहते हो? लेकिन क्यों सुनियो? मेरी एक रिलेटिव है टमोमी, और सच में वो बहुत सुंदर है नोबिता। तुमने उसे इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया कि तुम अपनी टीम के एस पिचर और कैप्टन हो? तुमने ऐसा कहा? हाँ, वो कल मेरे साथ मैच देखने जाएगी नोबिता, मैं उसे सच नहीं बता सकता, और अगर मैंने जियान को कुछ बताया तो वो मेरी बहुत पिटाई करेगा। इसमें भी कोई पूछने की बात है? इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। तुम ये कॉमिक बुक पढ़ो नोबिता, तुम ये सारे डोरा केक खा लो, प्लीज मेरी मदद करो। डोरेमोन हम इसकी मदद कर सकते हैं ना? जियान ने आज तक सिर्फ एक बार ही गेम मिस किया है, वो भी उस दिन जब वो गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। नोबिता आइडिया, हम उसे एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में भेजेंगे। पर उसका गाना सुनेगा कौन? अब क्या करें? वो तुम दोनों मुझ पर छोड़ दो। हाँ? हाँ? लेकिन कोई पैसे लेकर भी उसका गाना नहीं सुनेगा। सबसे पहले मैं एक डोम बनाऊंगा। हाँ? डोरेमोन! ये क्या है? एक बात और नोबिता, कोई भी इसके बाहर से अंदर नहीं देख पाएगा। सच में? अब इसके बाद क्या होगा डोरेमोन? 3D प्लैनेटेरियम। हाँ? ये सब क्या हो रहा है? मैच शुरू। अरे ये तो सुमो रेसलिंग है। ये तो असली लगती है। वो इसलिए नोबिता, ये असली 3D इमेज को प्रोजेक्ट करता है। तुम्हारे सामने पिछले साल का समर टूर्नामेंट चल रहा है। क्या ये पिछले साल का समर टूर्नामेंट है? और इस डायल को घुमाते ही वाओ पिरामिड।
अरे ये तो इजिप्ट है। अगर मैंने किसी सिंगिंग प्रोग्राम की इमेज को प्रोजेक्ट किया तो उसके बाद जियान अपने आप को रोक नहीं पाएगा। सही कहा। लेकिन डोरेमोन, इसका साइज तो बहुत छोटा है, हम लोग पकड़े जाएंगे। उसकी चिंता मत करो, डोम के बड़ा होते ही इमेज का साइज भी बड़ा हो जाएगा। हमें बस एक बड़ा एरिया चाहिए होगा। बेसबॉल ग्राउंड के सामने वाली जगह कैसी रहेगी डोरेमोन? हाँ, वो जगह बिल्कुल सही रहेगी। लेकिन वहाँ तो हमें उसका गाना सुनना पड़ेगा। ये तो है। कितनी भी तेज आवाज हो, वो डोम के बाहर नहीं निकल पाएगी। फिर हाँ? तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छे डोरेमोन, कल वो मैच नहीं खेलेगा। अब मुझे किसी का डर नहीं है। एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन? तुमने मुझसे कहा था ना तुम जाना चाहते हो जियान। फिर कभी चलेंगे। हाँ? आज मेरा एक इम्पोर्टेंट मैच है। क्या? लेकिन तुम्हारे फैंस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ जियान, सच में क्या तुम सबको अपना गाना नहीं सुनाना चाहोगे? लेकिन मेरा तो आज बेसबॉल मैच है। क्या अपने फैंस को ऐसे ही छोड़ दोगे? कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, बेसबॉल या सिंगिंग? हाँ, सही कहा, सिंगिंग ज्यादा जरूरी है। ये हुई ना बात। हाँ? तुम सबके आइडल हो। अब जल्दी चलो जियान। तुम इसकी मदद से सीधा स्टेज पर पहुंच सकते हो जियान। हाँ मैं जाता हूँ। अरे वाह, ये तो शानदार है। क्या ये सब मेरे ही फैंस हैं? सच में जियान, और ये सब तुम्हारे गाने का इंतजार कर रहे हैं। वाओ, मैं इसके लिए तैयार हूँ डोरेमोन। आप सभी लोगों का इंतजार करने के लिए शुक्रिया। आपका इंतजार खत्म हुआ। अब फेमस सिंगर जियान आपको अपना गाना सुनाएंगे। तो प्लीज वेलकम कीजिए मिस्टर जियान। ओ थैंक यू, मैं हूँ जियान। काम पूरा हो गया नोबिता, अब तुम जाकर ये बात सुनियो को बता सकते हो। अभी जाता हूँ। हाँ? अब क्या हुआ? मैं अपने फैंस के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए डोरेमोन। ठीक है, समझ गया, अब मैं इसे यूज करूँगा। एक सिंगर ऐसा ही दिखना चाहिए। तुम सब तैयार हो ना? सुनियो, अपनी पहली बॉल पर उसे आउट कर देना। तुम चिंता मत करो। मैं अपनी टीम का एस पिचर और कैप्टन हूँ, अब मेरा कमाल देखना। मैच तुम्हें ही जीतना है। ठीक है, गेम शुरू करते हैं। सुनियो कितना खुश है, आज के मैच में जियान नहीं खेल रहा इसलिए सुनियो पिचिंग कर रहा है। तुम्हारा मतलब सुनियो एक रेगुलर पिचर नहीं है? मेरी आवाज सुन के सब हो जाते हैं मदहोश। कितना खुश है। और अब मैं आप सबको अपना नया गाना सुनाऊंगा जिसका नाम है डंपलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव। अरे ये क्या है? अब क्या करूं? मेरे पास इसके लिए भी एक गैजेट है, साउंड चेंजर ट्रांस रिसीवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जियान, ऐसे ही गाते रहो। जियान जियान अब यही तो मैं सुनना चाहता था। क्या तुम लोग तैयार हो? मैं तो थक गया। ये लो, पकड़ो नोबिता। अरे 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 अरे, चली गई। Dumplings of a girl's love, ये है dumplings of... Bye. अरे ये तो नोबिता है। यही तो मैं सुनना चाहता था। ये है dumplings of a girl's love, ये है dumplings of a girl's love, dumplings... अरे नहीं, ये क्या, कोई बचाओ मुझे। ये कैसे हुआ? अरे तो बताइए आपको मेरा गाना कैसा लगा? स्ट्राइक थ्री, बैट्समैन आउट। इनका ये पिचर बहुत अच्छी बॉल फेंकता है। क्या हमेशा सोनियो ही सबसे पहले बैटिंग करता है? नहीं, सबसे पहले तो जियान बैटिंग करता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बॉल, टेक योर बेस। अरे वाह, मजा आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना, मैच बहुत मजेदार होगा। ये तो बहुत बोरिंग है। मैं घर जा रही हूँ सोनियो।
हाँ? मेरी बात सुनो। रुक जाओ। अरे जल्दी करो, बॉल फेंको। हाँ अभी फेंकता हूँ। पकड़ो नोबिता। अरे 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 अरे। ये सब क्या हो रहा है? भागो। तुमने सारे गाने गा लिए जियान? ये क्या हो रहा है? मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी डोरेमोन इसे जल्दी ठीक करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी करो डोरेमोन, अब हम इसे और नहीं सुन सकते। मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला।